अभी हम पहुंच चुके हैं गढ़ मुक्तेश्वर और यहाँ पर एक ये ढाबा है ये शिवा ढाबा, मामा यादव का। हम ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं और आज आपको मैं अपने नए साथी से मिलाता हूँ। आपने पहले मेरे व्लॉग में देखा नहीं होगा उनको। ये हमारे जितिन भाई हैं, ये है भाई जितिन भाई। जितिन भाई और मैं, हम दोनों भी निकल रहे हैं उत्तराखंड की तरफ और आगे भी आपको पूरी डिटेल दूंगा धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे। पहले हम जितिन भाई बनवा के लाए हैं घर से पराठे हैं। ये कौन से? आलू रोल हैं ये। आलू उसके होंगे वो आलू चकली वाले आलू और वो इसमें है सब्जी। अच्छा, अरे बढ़िया, आलू सब्जी के रोल हैं ये, चल रहे हैं अभी यहाँ पर। ये खा के फिर घर निकलते हैं आगे, फिर आगे के अपडेट दूंगा कि हम एक्चुअली में जा कहाँ रहे हैं। बड़ा लंबा प्लान है, आराम से आपको बताऊंगा। सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू माई चैनल सीरा आर्मीक। और आज हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे हम बता देंगे। अभी मैं हूँ और जितिन सर हैं। अभी आपने देखा, हमने जस्ट अभी खाना खा के निकले थे और हम आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और थोड़ा आगे जाके फिर आपको आगे के और अपडेट्स देंगे। ये आ गया सर फटाक। और अभी हम ऑलमोस्ट हल्द्वानी पहुँचने वाले हैं। टाइम हो गया है 10:25। गाड़ी हमारी चल चुकी है 256 किलोमीटर, 7 किलोमीटर रह गए हल्द्वानी। और ये जितने भाई साहब साथ में हैं, इनका इंट्रोडक्शन अभी पूरा हो नहीं पाया था हमसे। एक्चुअली क्या है, हम हैं बचपन के साथी हैं, हम दोनों स्कूल से साथ में हैं, पड़ोसी हैं, बेसिकली चाइल्डहुड फ्रेंड। और ऐसे ही बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया चाणचक कल कि जितिन जी कह रहे चलते हैं जागेश्वर धाम, जागेश्वर धाम चलते हैं। ये है उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पास, अल्मोड़ा से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर आ गया ये, तो वहाँ का प्रोग्राम बन गया। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, हम दोनों ही हैं अभी। होपफुली हम आज जागेश्वर पहुँच जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको रास्ता भी अब शुरू होगा, अभी मैंने ज़्यादा शूटिंग की नहीं पूरे रास्ते में, आपने देखा होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, जब पहाड़ियाँ थोड़ी शुरू होंगी ना, फिर थोड़े मैं आपको व्यूज़ वहाँ पर चेक करवाऊंगा और मौसम कैसा है ये भी बताऊंगा और ट्रैफिक का हाल भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून और देखते रहिए हमारी वीडियो। अभी हम यहाँ पर हल्द्वानी के अंदर पहुँच चुके हैं, 11:30 हो गए। और जितिन भाई कह रहे हैं कि भाई डोमिनोज की गार्लिक ब्रेड खाएंगे स्टफ। फाइनली हम पहुंच गए हैं भीमताल और हम आ गए हैं पहाड़ों के अंदर। और हाइट अभी ऑलमोस्ट 4800 के बीच में आ गई है, 4860 दिखा रहा है ये। और ट्रैफिक था, थोड़ा बहुत पीछे था, अक्टूबर चल रहा है ये, आज डेट है 4th ऑफ अक्टूबर, ट्रैफिक थोड़ा बहुत है भाई जितिन भाई। हाँ, ट्रैफिक था ना, फ्राइडे है, इलेक्शन है सैटरडे को गुड़गांव में, तो दिल्ली का ट्रैफिक दिख रहा है। लेकिन मेरे को ये उम्मीद थी कि नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही अभी ये जस्ट भीमताल शुरू है ना, तो थोड़ा ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया राइट साइड और वी आर गोइंग टूवर्ड्स मुक्तेश्वर वाया बाईपास ऑफ भीमताल। ऑलमोस्ट
जागेश्वर धाम से थोड़ा सा पहले ही है, और पीछे हमारा है एक आश्रम है बहुत बढ़िया बना हुआ, गोलू आश्रम भी कहते हैं कुछ आश्रम है एक्चुअली ये, और आप गोल आश्रम में कहते हैं इसे। और आप इसके ना लोकेशन देखो, हम ये भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, उसके नीचे पूरा ये प्रॉपर वैली है, रिवर जा रही है वहाँ पर, और ये परली साइड है उस पहाड़ी पे, ठीक है। और शायद आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, यहाँ पर आश्रम है, वो देखो शिव जी की मूर्ति वाइट कलर की, बहुत प्यारी बहुत शानदार लग रही है। फाइनली 5:30 हो गए हैं और हम जागेश्वर धाम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, उसको क्रॉस कर लिया हमने। अभी हम अपने होटल जा रहे हैं, होटल का नाम है हिमालयन सिडार। सो वी आर जस्ट रीच टू आवर होटल एंड वेरी गुड वेरी नाइस पार्किंग इज देयर, तो अपनी पार्किंग बात करते हैं गाड़ी और फिर आपसे अंदर जाके थोड़ी बात करते हैं। बट तब तक आप ये देखो व्यू, ये व्यू देखो, ये तो बिल्कुल पास ही है, ये जस्ट मतलब उसके पास ही है ना, बिल्कुल कट के पास ही है, बिल्कुल बिल्कुल नियर बाय ही है अपना। एक मिनट थोड़ा इसी बस का गाड़ी सीधी कर लेते हैं, पिलर के साथ लगा लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो हमें। रिसेप्शन है, अभी रूम में जाएंगे, आपको दिखाऊंगा मैं रूम, लेकिन उससे पहले ना रिसेप्शन से बालकनी का व्यू देखो, ये देखो कैसा लगा व्यू आपको। बाकी अभी जा रहे हैं ऊपर रूम के अंदर, और रूम पहले आपको दिखाते हैं, उससे पहले कि हम उसको गंदा करें। होटल आपको दिखा दूं ना, इसको अपना रूम दिखाता हूँ। रूम नंबर है हमारा 401, ठीक है, ये रूम है। अंदर एंटर करते ही इधर आ गया सोफा, और अब रूम आप खुद देख सकते हो, ये जितने भाई लेटे हुए हैं। व्यू आपको दिखाता हूँ, पहले वॉशरूम दिखाता हूँ। ये एक कबर्ड है, ठीक है, सब यहाँ पर रखे हुए हैं, ब्लैंकेट्स हैं, पिलोज विलोज ऑल। और ये हमारा वॉशरूम है, गीजर वीजर है, टॉवल टूवल सब कुछ है। उसके बाद ये मैं हूँ भाई, ये हमारा बेड है। बेड कैसा भाई, जितने भाई है। अच्छा भाई, स्क्रीन भी बढ़िया है यहाँ पर लगी हुई, बढ़िया है ना, स्क्रीन हागी है। ये कर्टन खोलते ही सामने ये हमारी बालकनी है, बालकनी में आप व्यू देखिए एक बार। बाकी जो बात रही प्राइस की, वो 3500 मिल रहा है विद ब्रेकफास्ट, और ये ऑफ सीजन का प्राइस है। जो मेरा रूम है ना अभी, जो वो आई थिंक 5500 के आसपास का है। बालकनी जो है ना, जैसे यहाँ से निकला ना, ये पूरी बालकनी है, ठीक है, यहाँ चेयर पर मस्त रखी हुई है। और उसके बाद ये देखो, इधर भी है,